रश्मि कैसे अति पावन अवसर पर मैं गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। एक ऐसी शख्सियत का अभिनंदन करते हुए मेरे सामने बैठे सभी लोग जिन्होंने कहीं विद्यार्थी परिषद में, कभी युवा मोर्चा में, कभी संगठन के विभिन्न पदों में जिनके साथ काम किया और जिन्होंने आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी और जिस पार्टी के राजस्थान के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा मान्य सदस्य हो, जिन्होंने पंच निष्ठाओं के रूप में इस पार्टी से रिश्ता नाता जोड़ा है, ऐसे श्री सतीश जी पूनिया का आज इस विराट समागम में मैं अभिनंदन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। आज का दिन सतीश जी आपने बिल्कुल सही चुना, यह विजयदशमी का दिन है और निश्चित तौर पर अन्याय की हार इसी दिन हुई थी, इसी दिन बुराई का विनाश हुआ था और इसी दिन धर्म पर धर्म की विजय हुई थी। और आज मौजूदा सरकार के समय इसमें जो अन्याय चल रहा है, मैं समझता हूं उस अन्याय के विरुद्ध यह जन संघर्ष का ऐलान करने का इससे बड़ा कोई मौका हो नहीं सकता। आज आपके सामने है किस प्रकार की आज हमारे राजस्थान की स्थिति बनी है। कानून का राज समाप्त हो गया, अखबार का पन्ना पलटते हैं कोई ना कोई लो मर सके बाद हमारे अखबार के पन्नों में साया दिखते हैं। अभी आपने देखा होगा बालोतरा के अंदर एक बार फिर जिस प्रकार सरदार शहर के अंदर एक नेमीचंद नाम के नायक की कस्टोडियल डेथ हुई थी, इस बार एक बार फिर उसी तरह की पुनरावृत्ति हुई है। थानागाजी में जो घटना हुई उसी घटना के अनुरूप करौली में घटना हो जाती है। बैरोड में बंदूक की नोक पर अपराधी को छुड़ा ले जाते हैं। मैं समझता हूं इस प्रकार के जंगल राज के सामने आज के दिन विजय दशमी के दिन हम एक संकल्प के साथ जाएं। और आज सतीश जी आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आज आपके सामने वो लोग बैठे हैं जो आपके संकल्प के साथ चलेंगे। और आज आपको आशीर्वाद देने मंच पर जिस प्रकार की शख्सियत है, आज हमारे बीच में ओम जी भाई साहब विराजे हैं जिन्होंने इस प्रदेश का नेतृत्व किया, माननीय गुलाब जी भाई साहब जिन्होंने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में सरकार को घुटनों के बल चलाने का काम किया, और जिन वी सतीश जी की सरपरस्ती में चंद्रशेखर जी के सानिध्य में अर्जुन जी मेघवाल और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी और अशोक जी के सानिध्य में निश्चित तौर पर आज का दिन जब आप पदभार संभाल रहे हैं हम सब लोग मिलकर उन सपनों को साकार करेंगे। एक बार फिर अविजित भाजपा इस देश के अंदर हो, कांग्रेस रहित भाजपा देश के अंदर हो, विजय दिवस पर विजयदशमी पर यही संकल्प हमारा होना चाहिए। मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ सतीश जी मेरे अंतर मन से, आप आगे बढ़े।